नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी पे। मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब बेटा? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आई सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। आज काफ़ी दिन हो गया था यूट्यूब लिए, हमने कहा चलो आपके लिए यूट्यूब का सेशन एक रख लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया हैं। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। आइए, क्रैक यूपीपीएससी एंड UP SSC विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अनअकैडमी का बेटा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। इसको जरूर डाउनलोड करें सर, इसके बहुत सारे फायदे हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप यदि आप डाउनलोड करते हैं तो आप प्लस के साथ साथ फ्री क्लासेस का भी इंजॉयमेंट ले सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाह रहा था सर, कि इस समय अनअकैडमी हम लोग UPPSC UP SSC में पढ़ाते हैं। बेसिकली UPPSC के बैचेस को डील करते हैं हम, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप UPPSC और UP SSC में जैसे गोल सेलेक्ट करेंगे, आप मेरा नाम भी डाल सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं दीपेंद्र सिंह नाम से। तो अनअकैडमी का लर्निंग आप पहले डाउनलोड करें। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरी प्लस की क्लास जो चल रही है उसका टाइमिंग 2:30 से 4 है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी चल रहा है अप टू PCS मेंस। और इसके अलावा जो मेरी फ्री क्लास का टाइमिंग है बेटा, फ्री क्लास मेरी रात में 10 बजे चलती है। ठीक है, फ्री क्लास मेरी रात में 10 बजे चलती है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथ साथ आप अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर्स हैं उसकी फ्री क्लास भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। और अभी ऑफर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप प्लस से जुड़ना चाहते हैं तो क्या ऑफर है आपके लिए। बहुत ही शानदार ऑफर है। यदि आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। मतलब 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आप 14 महीने पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप 24 महीने जुड़ते हैं तो 3 महीने एक्स्ट्रा, मतलब 27 महीने आप पढ़ सकते हैं। 12 महीने में 14 महीने, 24 महीने में 27 महीने आप पढ़ सकते हैं। और प्लस से यदि आप जुड़ते हैं तो आपके क्या फायदे हैं, एनी टाइम एनी वेयर लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अपॉर्चुनिटी है बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने की, बेस्ट एक्सेस टू बेस्ट करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड पेडोलॉजी कोर्सेज है, मल्टीपल लाइव डॉट क्लियरिंग सेंटर होता है, स्टडी मटेरियल PDF में मिलता है, लिमिटेड क्विजेस, इवेंट, वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशंस भी ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। कंक्वर योर गोल दिस ईयर, ये वाला ऑफर बेटा खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए ये वाला ऑफर खत्म हो चुका है। चलिए, ये UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, यदि आप ये टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे सर तो आपकी रैंक अगर फर्स्ट आती है तो 1 साल के प्लस पे आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। यदि आपकी रैंक 2 से 3 आती है तो 1 साल के प्लस पे 50% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी देगा। यदि आपकी रैंक 4 से 25 आती है तो 1 साल के प्लस पे 25% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी अपने साइड से आपको मुफ्त में देगा। मेन्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर भी हमारे यहाँ चल रहा है, अगर आपकी रैंक फर्स्ट सेकंड और थर्ड आती है तो 2 साल के प्लस पे 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। डेली मेंस आंसर राइटिंग के सेशन चलते हैं, मेंस वाले बच्चे इसको कर सकते हैं। लक्ष्य UPPSC 2023 का ओरिएंटेशन बैच भी चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बैच कोर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ सर, मेन्स का ऑप्शनल हमारे यहाँ चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो। इसके अलावा मेंस के बैचेस 2021 भी चल रहे हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2023 में साइंस एंड टेक अभी से आ गया कोर्स, इसमें मेरी फोटो देख रहे हैं आप मेरी लगी हुई, साइंस एंड टेक में डील कर रहा हूँ। इसके अलावा 2022 ये फाउंडेशन बैच है बेटा, यह फाउंडेशन बैच है 2023 वाला, और यह बैच जो है 6 मंथ का, इसमें भी जनरल साइंस का पोर्सन में डील कर रहा हूँ। इतनी तैयारियां करते हैं सर हम लोग अनअकैडमी पर, किसमें से कोई भी तैयारी, लोअर PCS, RO, PCS, लेखपाल, BEF, ऑप्शनल कोर्सेज कुछ भी पढ़ना है, आप मेरा कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अभी, DSYT LIVE, आपको 10% का छूट भी मिलेगा। और अभी ऑफर के बारे में मैंने आपको बताया कि 12 महीने पे 2 महीने फ्री, 24 महीने पे 3 मंथ फ्री। अमाउंट बता देता हूँ सर, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 13,600 का, कोड लगाने के बाद 12,240। नो कॉस्ट EMI, क्रेडिट डेबिट कार्ड दोनों पे अवेलेबल है। 1 साल का फी है 9,350, कोड लगाने के बाद 8,415। इसके अलावा BPSC का भी सिलेबस आप ले सकते हैं हमारे यहाँ से, 12 मंथ का 10,620। आइए प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आइए रेडी हो जाइए सारे लोग प्रश्नों के लिए। आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न है आज हमारे पास, और उसके हिसाब से हम लोग आज सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आई थिंक आ चुका है, क्या क्वेश्चन है देखते रहिएगा। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, जरा मुझे इंक चेंज करने दो, बाकी जो आवाज़ें आ रही हैं वो आती रहती हैं कभी कभी, उसके लिए आप लोग चलिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए पहला पहला क्वेश्चन ये है कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण ऐसा क्या होता है। हवा में प्रदूषण होती है, आंख के रोग होते हैं, ओजोन लेयर में बाधा आती है, नन ऑफ दीज। जल्दी से जवाब दें, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है ये बता दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी।
हवा में प्रदूषण, आंख के रोग, ओजोन लेयर में बाधा, या इनमें से कुछ नहीं? जल्दी से बताएं क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। जल्दी से बताएं। रेडी? जवाब नहीं है आप लोग का। और लोग जवाब दो। सोचो सोचो सोचो। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? चलिए ध्यान रखिएगा, पराध्वनिक जो जेट होती है, जेट आपको पता है बेटा कि जो जेट उड़ती है वो कहीं ना कहीं ट्रोपोपॉज के आसपास उड़ती है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन लेयर में बाधा आएगी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे सिग्नल की समस्या का भी सामना हमें करना पड़ सकता है, जैसे टीवी है ना, आपकी सिग्नल से या सैटेलाइट के सिस्टम से जो भी चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकता है पराध्वनिक जेट के उड़ान के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिए हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है आज का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, किसकी वजह से ये पूछा जा रहा है? जल्दी से बताएं। खुले में दूध रखा रहता है तो खट्टा हो जाता है किसकी कमी के, किसकी वजह से, किसके बनने के कारण? कार्बोनिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, साइट्रिक एसिड के कारण, या एसिटिक एसिड के कारण? जल्दी से बताएं फटाफट। जल्दी से जवाब दो फटाफट, कमेंट नहीं आ रहा किसी का। जल्दी से बताएं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात ये बताइए मुझे कि दूध में कौन सी, अगर मैं शुगर के बारे में पूछूं कि दूध में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है तो क्या बताएंगे आप? जल्दी से बताएं। दूध में अगर शुगर के बारे में पूछा जाए तो ऑब्वियस सी बात आप बताएंगे कि सर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। बिल्कुल सही बात है सर, कि दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं कि एसिड, अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध में भैया बताओ, दही में बताओ कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, दही में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दो। तो कौन सी एसिड होगी? लैक्टिक एसिड ही तो होती है बेटा। ठीक है, तो कौन सी एसिड हो जाएगी आपकी? लैक्टिक एसिड। तो दूध खुला में रखने से दही के फॉर्म में चेंज हो जाता है। दूध अगर खुला में रखा हुआ है तो कहने के वो दही के फॉर्म में चेंज होने लगता है, दूध खट्टा हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है कि लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। क्यों लैक्टिक एसिड इसमें बन गया? आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया ये काम करते हैं, और कौन से बैक्टीरिया बेटा? ऐसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिक, ये वह बैक्टीरिया है जो कहीं ना कहीं दूध के शुगर वगैरह को कंज्यूम करके और एसिड का फॉर्मेशन करने लगते हैं, और कौन सी एसिड बना देते हैं? लैक्टिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड आपका बेटा पेय पदार्थों में होता है। ठीक है, किसमें होता है? पेय पदार्थों में, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हैं सब में कार्बोनिक एसिड होती है। साइट्रिक एसिड आपको पता है बेटा नींबू वगैरह में पाई जाती है ना, लेमन में प्रेजेंट होती है। एसिटिक एसिड आपको पता है कि किसमें पाई जाती है बेटा? विनेगर में होती है ना। विनेगर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, विनेगर का मतलब होता है एक तरीके से सिरका। सिरके का रासायनिक नाम देखेंगे तो रासायनिक नाम भी सिरके का क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? मतलब जो हीरे में चमक होती है वो किसकी वजह से होती है? कह रहा है इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण, किसकी वजह से हीरे में चमक पाई जाती है? जल्दी से बताएं फटाफट, देखते हैं कौन बताता है। जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट, बताओ भैया। जल्दी से बताइए। जल्दी से। अच्छा, हीरे की कटिंग भी इस प्रकार से की जाती है कि कुछ एनर्जी उसमें ट्रैप हो जाती है कि नहीं? और जब उसमें एनर्जी ट्रैप हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो आपको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं जो इंद्रधनुष जो 7 कलर में डिवाइड होता है वो भी किसकी वजह से होता है बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो हीरा के जगमगाने का जो मेन रीजन है वो दो है, एक तो हीरे की कटिंग इस प्रकार से की जाती है और दूसरा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। तो ऑप्शन सी किसने किसने जवाब दिया, जल्दी जल्दी बताओ।
ऑप्शन सी वालों का बिल्कुल सही है सर, ठीक है, ऑप्शन सी वालों का बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इसका सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एंडोस्कोप क्या है? एंडोस्कोप क्या होता है? एक संकीर्ण दूरदर्शी है, कैमरे का एक प्रकार है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, या इनमें से कुछ नहीं? जल्दी से बताइए जल्दी से बताएं। एक एंडोस्कोप का मतलब क्या होता है ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए एंडोस्कोप का मतलब क्या है। एंडोस्कोपी के बारे में कितने लोगों ने सुना, जल्दी से कमेंट करके बता दें। है, बहुत लोगों ने सुना होगा एंडोस्कोपी का मतलब। आपको पता है कि एंडोस्कोपी एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर की जांच के लिए बेसिकली यूज की जाती है, और एक केबल के माध्यम से एक कैमरा डाला जाता है, केबल के माध्यम से एक प्रकार का कैमरा इंसर्ट किया जाता है जिससे कि अंदर की चीजों को हम मॉनिटर में प्रदर्शित कर सकें, है ना। तो एंडोस्कोपी के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो यह कैमरे का एक प्रकार है जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर की चीजों का एक तरीके से जांच करने के लिए, एक पता लगाने के लिए कि अंदर क्या चल रही है, और ये मॉनिटर पे देखा जाता है ना। जैसे आपका सीसीटीवी कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा आपने एक बार इम्प्लांट कर दिया कहीं पे भी, तो वीडियोस इसकी जो है वो डिस्प्ले पे आप देखते रहते हैं। तो उसी तरीके से केबल को हम किसी भी माध्यम से अंदर ले जाते हैं, मुंह के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, या इंजेक्शन स्किन में थोड़ा सा पोर क्रिएट करके भी इसको डाला जाता है, पतला सा कैमरा होता है। तो डालने के बाद अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी चल रही है इसको आप मॉनिटर में अच्छे से देख सकते हैं। तो एंडोस्कोप एक प्रकार का बेटा क्या होता है, कैमरे का एक टाइप है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बताइए मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। मृग मरीचिका, या आप लोगों इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिराज इफेक्ट, मिराज किसकी वजह से बनता है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? मृग मरीचिका या मिराज किसकी वजह से बनता है, जल्दी से बताएं फटाफट। देखते हैं फिजिक्स कितने लोग की अच्छी, जल्दी से बताइए किसकी वजह से बनती है फटाफट। मृग मरीचिका का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कभी कभी आप लोग मृग मरीचिका या मिराज के जो केसेस होते हैं सर, ये दो जगह आप देख सकते हैं। वैसे आपने पर्सनल लाइफ में आपने बहुत बार इसका फील लिया होगा, जैसे बस में बैठे ट्रैवल कर रहे हैं तो कभी कभी आपको रोड पे ऐसा लगता है कि पानी है यहाँ पे, तो दैट इज द मिराज इफेक्ट ऑफ व्यवहारिक लाइफ। लेकिन स्पेशली अगर इसके फिनोमिनन देखने हैं आपको, तो एक तो डिजर्ट में दिखाई देता है ना, और दूसरा आपका स्नो एरियाज में, स्नो एरियाज में और डिजर्ट में। जैसे डिजर्ट में मान लीजिए आप कभी फंस रहे हैं, फंस गए है ना, तो घूमने गए थे, है ना, घूमने गए थे, अपना मनाने गए थे, ठीक है, सब घूम घूम घूमना टहलना चल रहा था, लेकिन मान लीजिए किसी ऐसी जगह घूमते घूमते पहुंच गए कि उस वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं, दिशा भ्रम भी बहुत ज्यादा होता है, चारों तरफ रेगिस्तान है ना, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। तो पानी, प्यास लग रही है आपको, आपको पता है पानी की वैसे ही कमी रहती है डिजर्ट एरियाज में। तो दूर तक चलते चलते जब आप जाते हैं तो लगता है आपको कि जैसे डिजर्ट में बहुत दूर पे कहीं पर पानी रखा हुआ है, या पानी जमा है, या पॉन्ड है, इसको बोलते हैं मिराज इफेक्ट। या स्नो एरियाज में जब आप देखेंगे ना, जहाँ पे व्हाइट व्हाइट एकदम स्नो रहता है पूरा, तो वहां पे भी आपको कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, तो आपको पानी का लगता है कि पानी है यहाँ पे, है ना, तो पानी का कॉन्सेप्ट लगना। तो स्नो एरियाज में पानी का लगना या डिजर्ट एरियाज में पानी का भ्रम होना, दैट इज द मिराज इफेक्ट। और यह होता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि यदि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, इसमें कोई लाइट यदि आ रही है, देखिए कोई भी चीज हमको कैसे दिखाई देती है, किसी के होने का प्रतीत होता है हमें, जैसे आप किसी को देख रहे हैं, कोई आदमी आपको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? जब तक वहां से पास होने वाली लाइट आपकी आंखों में नहीं होगी और आंखों से पास होकर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तब तक तो आपको दिखता नहीं है। रिफ्लेक्शन की वजह से ही किसी भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये आपको आपको पता है। बिना रिफ्लेक्शन का आपको इमेज दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे दो होती हैं, आपको पता है। एक इंसिडेंट रे होती है, पेन मेरी गायब हो जाती है, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, एक होती है इंसिडेंट रे जो आके गिर रही है, इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे गिरती है तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है, तो ये हो गए रिफ्लेक्टेड रे।
कभी भी इंसिडेंट रे 100% जो आ रही है, रिफ्लेक्शन कभी भी 100 नहीं होता, लेस देन हमेशा 100% होता है। बात समझिए मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कोई लाइट अगर किसी सरफेस पे गिरती है और टकरा के वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है सर, मान के चलिए। इंसिडेंट रे अगर 100% आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा लेस देन 100% होगी, क्योंकि कुछ पार्टिकल के द्वारा वह एब्जॉर्ब कर ली जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है तो वह दिखाई देती है। लेकिन यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हो रहा है कि इंसिडेंट रे 100% आ रही है और 100% वापस चली जा रही है। तो जब वहां पर कोई भी पार्टिकल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो वहां पर काला प्रतीत होता है। तो इसी से मिराज इफेक्ट जनरली बनता है। डिजर्ट में यदि आपको काले काले स्पॉट नजर आ रहे हैं, पानी का होना पता चल रहा है, तो दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब वहां की लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो जा रही है पार्टिकल्स के द्वारा, वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल जब कुछ नहीं है तो दैट इज ब्लैक, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता, दैट इज ब्लैक। तो ब्लैक ब्लैक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा यह अनएकेडमी की फ्री क्लास है, इसको कोई भी कर सकता है सर। यदि आप अनएकेडमी प्लस से जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और ऑफर भी चल रहा है जैसा कि मैंने बताया, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने एक्स्ट्रा और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेगा इस समय, ठीक है। कोड ये ऊपर बेटा लिखा हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दीपेंद्र टेन या DSYT लाइव लगा के 10% का ऑफर पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कह रहा प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10 पैसे वाला क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, बोथ ए एंड बी। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है ये बताना है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, बोथ ए एंड बी, जल्दी से बताएं फटाफट, देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है इसमें, बताओ। जल्दी से बताइए, किसी का जवाब नहीं आ रहा भाई, जल्दी बताओ फटाफट। अच्छा, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि देखिए, क्वेश्चन एमसीक्यू करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप आंसर लगाते गए, बस क्वेश्चन का आंसर लगाते गए, उसमें आप कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। देखिए एमसीक्यू लगाने का हमारा मेन जो पर्पज होता है और जो मेन टैक्टिस है हमारी, कहीं ना कहीं एक प्रश्नों पर एक पूरी संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना होता है, ठीक है ना। एक संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए, एक समझ विकसित होनी चाहिए आपकी। जैसे कि मान लीजिए कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात हो गई यहाँ पे कि व्हाट इज प्लाज्मा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। जैसे दो चीज़ों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा हमेशा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों में कौन डिफरेंस बताएगा मुझे, जल्दी से बताइए। एक होती है कोशिका झिल्ली, एक होती है प्लाज्मा झिल्ली, दोनों में डिफरेंस आपको सर पहले पता होना चाहिए, ठीक है। सेल वॉल के बारे में भी सुना होगा, चलो सेल वॉल के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेल वॉल जो होता है जनरली वो प्लांट में पाया जाता है, वो सेल्यूलोज का बना होता है, कोशिका के सबसे बाहर की परत है। सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है एनिमल्स की सेल में। जिस तरीके से कोशिका के बाहरी दीवार को सेल वॉल कहते हैं और वह प्रोटेक्शन करती है सेल का, उसी तरीके से सेल वॉल की जगह एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोटेक्शन करने के लिए। अब यह सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या एक ही चीजें हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे लोग बता देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज है, लेकिन ध्यान रखिए कि दोनों में डिफरेंस है बेटा। कोशिका के बाहरी परत को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका के बाहरी परत को या आउटर परत को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। अब अगर बात सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आ जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सेल के भीतर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, इन सब चीजों के बारे में सुना होगा, तो यह अंदर से भी झिल्ली से ढके हुए होते हैं, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उसका प्रोटेक्शन कर रही है, और सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा यह सेल के बाहरी सतह को प्रोटेक्ट कर रही है। आई बात समझ में? तो प्रोटीन और लिपिड दोनों से बने होते हैं, तो इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी। कितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया भैया, बोथ एंड बी इज द करेक्ट आंसर, कितने लोगों ने दिया जवाब, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट जवाब। आई बात समझ में? नेक्स्ट पे चला जाए, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है थोड़ा, कह रहा कि हृदय जो है वो अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, ठीक है। नहीं, अपश्रव्य पराश्रव्य दो होती है, हिंदी में कन्फ्यूजन हो गया, ये इंफ्रासोनिक है आई थिंक, है ना, अल्ट्रासोनिक को पराश्रव्य बोलते हैं। चलिए, हृदय जो है वो अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक रहता है। तीसरा, मैक संख्या ध्वनि को गति बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं, या पराश्रव्य ध्वनि की गति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है इसमें थोड़ा सा, और मैंने फिजिक्स में पढ़ाया भी था आपको सारा कि सबसोनिक क्या होता है, इंफ्रासोनिक क्या होता है ना, अल्ट्रासोनिक क्या होती है, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। जल्दी से बताएं, पहला है हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, दूसरा है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक रहती है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्धित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, पराश्रव्य ध्वनि की गति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। जल्दी से बताएं इसमें से कौन सा आपका जो जवाब है वो सही है, ये बताना है आपको। तो देखिए, पहला जो है कि हृदय जो है वो अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ये तो बिल्कुल सही है। अपश्रव्य का मतलब होता है ऐसी ध्वनि जिसको आप नॉर्मली सुन नहीं सकते, दे आर नॉर्मली नॉट ऑडिबल टू ह्यूमंस एक्चुअली, है ना। तो हृदय की जो हार्ट बीट होती है, क्या आप ऐसे कान लगा के सुन लेते हैं क्या? वैम्पायर थोड़े ना, आप वैम्पायर सुन लेता है, वैम्पायर की सीरीज देखी होगी ना आपको, कुछ लोग के कान खड़े हुए होंगे जैसे वैम्पायर का नाम हमने लिया होगा, है कि नहीं। तो चलिए, हृदय जो होता है वो अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक रहती है, गलत है यार, कैसे ज्यादा हो जाएगी? ठोस में सबसे ज्यादा होती है ना, स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें, ठोस में सबसे ज्यादा गति होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, फिर गैस में होती है, ठीक है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्धित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ये भी सही है। 1 मैक 2 मैक स्पीड कोई तो बताता है मेरे भाई। और अल्ट्रासोनिक जो वॉइस होती है, जैसे कि चमगादड़ जो आवाज प्रोड्यूस करती है या मच्छर जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अल्ट्रासोनिक। कानों बहुत चुभते हैं ना, बहुत चुभते हैं ना अल्ट्रासोनिक साउंड, तो 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, जवाब दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में ऊर्जा रूपांतरण में से एक किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, यह बताना है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, प्रकाश से जैव रासायनिक ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट। इसका जवाब आप लोग पूछते रहिए फटाफट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए, हाँ बताइए, दिख रहा। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संपादित होती है, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है, कोई बता सकता है भाई? 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, देखते कितने लोग बता सकते हैं। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, प्रकाश से जैव रासायनिक, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना आप लोग समझदार है, उसमें से गतिज ऊर्जा, बताइए, देखते हैं कितने लोगों का जवाब जो है वो सही आता है। फटाफट जल्दी से बताओ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, जल्दी से बताओ। अच्छा एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस का मतलब सुना है? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। सोलर एनर्जी इनटू
केमिकल एनर्जी इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, सूर्य की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही बेटा क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आई बात समझ में? चलो, तो कहीं ना कहीं प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा जो कहला रहा है यही सही जवाब होगा इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताइए। कह रहे हैं अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का जो उपयोग है वो स्वास्थ्यकर होता है, बेनिफिट माना जाता है, क्योंकि मछली में ऐसा क्या होता है ये बताना। बहु असंतृप्त वसा अम्ल, वासा नहीं है वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, अत्यधिक विटामिन, अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, बताइए ऐसा क्या होता है उसमें कि एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आप अन्य पशुओं की तुलना में अगर बात करें, अन्य एनिमल्स की मांस की पशु थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, एनिमल्स की बात करते हैं। चलिए, कुछ एनिमल्स को खाने में जैसे आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जैसे मटन आप लोग खा रहे हैं ना, मटन वटन में या रेड मीट जितने भी होते हैं इन सब में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लीड्स द हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल लीड्स द हार्ट अटैक। ठीक है, चलिए, तो इसमें से क्या होता है, सैचुरेटेड, संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड बेटा, और असंतृप्त का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड। बहु असंतृप्त लिखा है, वैसे असंतृप्त को सिर्फ पॉली, असंतृप्त को सिर्फ अनसैचुरेटेड बोलते हैं, लेकिन यहाँ बहु लगा है तो पॉली अनसैचुरेटेड। अब बता दो, अब आसान हो गया होगा ना तुम लोग के लिए, जल्दी से बताइए अब क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग डिफरेंस नहीं कर पा रहे होंगे कि सर कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सी सैचुरेटेड होती है कौन सी अनसैचुरेटेड होती है, इसके बारे में मैं आपसे बता दूं सर। सैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड फैट का मतलब सर ये होता है कि एक तरीके से कि ऐसा फैट जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है, ऐसा फैट, ऐसा वसा जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है। जैसे एनिमल को ले आके, मान लो मटन का, मटन ले आके रख दिया रूम टेम्परेचर पे, अब मटन ले आके जब घर पे रखते हो तो क्या मटन का जो फैट होता है क्या वो गल जाता है, क्या वो खत्म हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है? नहीं ना, उतने पे ही रहता ना सॉलिड वो। तो एक बात बताओ, संतृप्त का मतलब हो गया, सैचुरेटेड का मतलब होता है यही कि भैया जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा, अब जब वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है उसको आपने कंज्यूम कर लिया, उसको कंज्यूम करेंगे तो अंदर भी तो सॉलिड रहेगा सर। अब अंदर अगर सॉलिड होगा तो ब्लड के फ्लो में कहीं ना कहीं स्टॉपेज करेगा कि नहीं, तो इसका मतलब कि सैचुरेटेड लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ हार्ट अटैक, लीड्स द हार्ट अटैक। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है सर जो रूम टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जैसे सरसों का तेल है ना। अब सरसों का तेल अगर बाहर सेमी सॉलिड है, लिक्विड है थोड़ा, तो अंदर भी जाके लिक्विड ही रहेगा ना, अंदर भी लिक्विड रहेगा तो हार्ट अटैक नहीं करेगा। इसीलिए कभी कोई एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये बताओ वनस्पति घी आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है या सरसों का तेल, तो क्या बताएंगे? नीचे कमेंट में जरूर जवाब दें आप लोग, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब जरूर बताएं इसका कि वनस्पति घी ज़्यादा बेहतर होती है आपके बॉडी के लिए या सरसों का तेल, और यदि आपका जवाब सरसों का तेल है तो क्यों सरसों का तेल ज़्यादा हितकर माना जाता है इन कंपैरिजन टू वनस्पति की, इसके बारे में जरूर जवाब दें आप लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अभी एक दो क्वेश्चन और होंगे, चले। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सर कि बहु असंतृप्त वसा अम्ल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मछली में ध्यान रखिएगा सर, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और ये आपके आइज के लिए और ब्रेन के लिए दोनों अच्छी मानी जाती है, आइज एंड ब्रेन दोनों के लिए। आपकी आइज भी अच्छी रहती है, आई साइड भी वीक नहीं होती है, और ब्रेन में भी प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप ये यूज करते हैं तो। चलिए, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फटाफट। चलिए, इससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा सही चल रहा है, आवाज जा रही है मेरी प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटा? आवाज जा रही ना मेरी? ठीक है, मुझे लगा नहीं जा रही, एक मिनट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बताइए, एक मिनट रुक जाओ, चलो। हाँ, ये बताओ, ये बताइए, कह रहा उचित, इसको छोड़ देते हैं, ये नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है पता है, अभी हाल में ही हुआ था ये क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बताइएगा, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ये बढ़िया क्वेश्चन है। लसिका कोशिकाओं का मतलब मैं बता दूं, एक तरीके से लिम्फ सेल या लिम्फ नोड यू कैन से, है ना, लिम्फ बता दो आपसे, है ना, लिम्फ एक तरीके से यू कैन से कि कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है बेटा WBC से। ठीक है, अब बताओ, यकृत, दीर्घस्थी, अग्नाशय या तिल्ली, स्प्लीन, जल्दी से बताएं जवाब फटाफट, देखते हैं कितने लोग का बात होता है, जल्दी से
देखते हैं कितने लोग का जवाब सही आता है। फटाफट जल्दी से बताएं फटाफट। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, दीर्घस्थि, अग्नाशय या स्प्लीन? देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है। कहीं ना कहीं मैंने आपको हिंट भी दे दिया बेटा कि लिम्फ या लिम्फ सेल्स का मतलब WBC होता है। WBC इम्यूनोलॉजिकल एक तरीके से सेल होती है, कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करती है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करने कहीं ना कहीं। तो लीवर तो होगा नहीं बेटा, है कि नहीं? कलर चेंज कर लें, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट ये वाला लेते हैं। चलो इसमें तो बनेगा नहीं, लीवर में तो बनेगा नहीं, इसके अलावा दीर्घस्थि इसमें भी नहीं बनेगा, अग्नाशय या स्प्लीन। स्प्लीन, तिल्ली का मतलब यहाँ पे बेटा किससे? तिल्ली का मतलब यहाँ पे स्प्लीन से है, ठीक है? अच्छा, स्प्लीन को तिल्ली भी बोलते हैं, प्लीहा भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। स्प्लीन को तिल्ली भी बोलते हैं और प्लीहा भी बोलते हैं। आप बता दो जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब आया आप लोग का, अगर किसी ने दिया हो तो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्प्लीन। प्लीहा इज द करेक्ट आंसर बेटा, ध्यान रखिएगा। प्लीहा आपके बाएं साइड पेट के जस्ट ऊपर पाया जाता है, एक छोटा सा लिम्फोसिटिक ऑर्गन होता है। और इसका जो बेसिकली काम होता है बेटा, एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि प्लीहा में डेड सेल्स आती हैं, डेड ब्लड सेल्स आती हैं। जैसे RBC आपकी, आपको पता है कि 45 से 55 लाख होती है, 120 दिन बाद मर जाती है। तो मरने के बाद हम शरीर से बाहर तो निकालते नहीं कि निकाल लेते हैं, बाहर नहीं निकालते ना। तो जो भी RBC या WBC या प्लेटलेट्स हमारी डेड होती हैं, वो कहीं ना कहीं स्प्लीन में जाके स्टोर होती है। अब स्प्लीन में जाके स्टोर होती है, इनका पुनः चक्रण हो जाता है, रिजनरेट होकर रिसाइकल हो जाती है, ठीक है? कहीं ना कहीं बाइल जूस बना लेती है। चलो, तो स्प्लीन में ही कहीं ना कहीं बेटा आपका एक तरीके से क्या डेवलप हो रहा है, आपकी लिम्फोसाइट सेल डेवलप होती है, ठीक है? लिम्फोसाइट सेल डेवलप होती है, ठीक है ना? चलिए आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अग्नाशय इज द करेक्ट आंसर। चलो ये बता दो, कौन सी सब्जी में से एक रूपांतरित जड़ है, ये बता। कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? आलू, शकरकंद, बंडा या जिमीकंद? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। रूपांतरित जड़ कौन सा है, जल्दी से बताया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। हाँ, एक आध और करा रहे हैं, टेंशन जल्दी से। मॉडिफाइड स्टेम और मॉडिफाइड रूट बताओ जल्दी से। आलू मैं पहले ही बता देता हूँ कि आलू जो है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है? उसमें परेशान मत होइए, अगर मिट्टी के अंदर है तो जड़ बता दो, नहीं मॉडिफाइड स्टेम होती है। अब बताओ शकरकंद, बंदा, जिमीकंद, इसमें से क्या सही होगा, इसका आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से बताना। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए बताइए जल्दी से, जवाब बताइए इसका बेटा, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए हाँ बताइए, इसका जवाब क्या हो जाएगा? रूपांतरित जड़ कौन सा होता है? भैया आलू हमने पहले मना कर दिया, क्योंकि आलू जो होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है बेटा, ठीक है? क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है? इसमें परेशानी नहीं होना है आप लोग को। चलिए शकरकंद इज द करेक्ट आंसर बेटा, स्वीट पोटेटो। कभी व्रत होते नहीं रहे क्या गाँव में? तो हम लोग व्रत रहते थे पहले, खाने के लिए, खाने के लिए व्रत रहते थे। हम सुबह उठ के पराठा वराठा खा लेते थे, उसके मम्मी से कहते थे मम्मी व्रत है, क्योंकि जानते थे कि लोग की खीर बनेगा मिलेगा, वैसे व्रत नहीं रहेंगे, नहीं मिलेगा कुछ, है ना? साबूदाना बनता था खीर, तो ये सब खाने के लिए व्रत रहते थे भाई साहब हम लोग, समझ रहे हैं? चलिए शकरकंद। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल, मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, इसका बहुत शानदार लिस्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। चलिए लिस्ट बता के आपको छोड़ देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन मॉडिफाइड स्टेम और मॉडिफाइड रूट के आ जाते हैं, मैं आपको 5-5 एग्जाम्पल दे दूँ, काम हो जाएगा आपका। कभी भी मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल पूछे या इनमें से कौन सा जड़ है इसका एग्जाम्पल पूछे, तो मैं आपको फटाफट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो स्टेम की बात अगर करें तो हल्दी, टर्मरिक, अदरक, अदरक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जिंजर बोलते हैं, चलो हम हिंदी मीडियम वाले हैं। जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, आपका अनियन हो गया, गार्लिक हो गया और पोटैटो।
यह आपके स्टेम है बेटा, ध्यान रखिएगा, यह पांचों आपके क्या होते हैं सर, स्टेम होते हैं, लिख लो सर, बहुत काम आएगा एग्जाम में। चलो रूट की अगर बात करें सर, तो रूट में आ जाओ, कैरेट, गाजर ले लो सर, गाजर हो गया, मूली हो गई, रेडिस हो गई आपके, रेफेनस सटाइवस, चुकंदर हो गया सर, बीट रूट, बीटा वल्गैरिस, क्या वो साइंटिफिक नेम है, तुम लोग याद करो, ठीक है, कैरेट बोल दें, डायगस करोटा, मूली, रेफेनस सटाइवस, चुकंदर, बीटा वल्गैरिस। इसके अलावा आपका इसमें शकरकंद भी आ जाता है, स्वीट पोटैटो। एक और है सर, 1 मिनट रुक जाना, टर्निप, सलजम के बारे में सुना है कभी, सलजम जो होता है ये भी आपका रूट है। तो पांच याद करो और कमेंट सेक्शन में बताओ ये ट्रिक कैसी लगी तुमको, जल्दी से। मॉडिफाइड रूट, कैरेट, मूली, चुकंदर, शकरकंद, टर्निप, और मॉडिफाइड स्टेम, हल्दी, जिंजर, अनियन, गार्लिक और पोटेटो। क्लियर है बात, नो बकवास। चलिए, और हाँ, ऑफर के बारे में मैंने आपको बता दिया है सर, कि यदि आप अभी, मेरा कोड ऊपर लिखा हुआ है दीपेंद्र टेन, दूसरा कोड मैं फिर से बता दे रहा हूँ, DSYTLIFE, यदि आप यह दोनों कोड में से कोई भी एक कोड लगाकर अभी सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो एक तो 10% का ऑफर है, दूसरा 1 साल पे 2 महीने की छूट, और 24 महीने पे 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सर। और ये ऑफर मुझे लगता है 11 तारीख, 10-11 तारीख तक है, तो आप लोग जरूर लें और इसका फायदा लें। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, कि अगर आपने अभी तक अनएकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर अनएकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर सारी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है प्लस का, तो मेरी प्लस क्लास 2:30 PM से 4 PM चलती है पर डे, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मेरी चल रही है बेसिकली अभी, और रात में मेरी क्लास 10 बजे फ्री क्लास होती है, तो आप सबका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं रात में 10 बजे, ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।